प्रशासन ने सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को पहले नोटिस दिया, इसके बाद भी जब अतिक्रमण करने वाले सड़कों से नहीं हटे तो प्रशासन को अतिक्रमण हटाकर सामान जब्त करने की कार्रवाई करना पड़ी। खटीमा में उपजिलाधिकारी रविंद्र विष्ट के नेतृत्व में प्रशासन एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से मार्ग किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 4 दिन पहले सभी अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस दिया गया था। नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से दुकानें लगाई गईं, जिस पर उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट तथा नगर पालिका के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त कर उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की गई। साथ ही ठेला लगाने वालों को भी हिदायत दी गई है कि हर जगह वे ठेले न लगाएं। बेलियां लगी या दुकानों में आवश्यक रूप से अपनी दुकानें लगा रखी हैं, उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। 4 दिन से पहले हमने नोटिस दिया है कि अब इसको हटा दें, उनके द्वारा हटाया नहीं गया, लिहाजा आज हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जितना भी सामान इनका जब्त कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पॉलिथीन जो कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट की माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बिल्कुल बैन है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारा ये पूरा खटीमा क्षेत्र है, हमारा शहर है, वह अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए और हमें यहाँ जाम की स्थिति पैदा ना हो, दुर्घटनाएं भी ना हो, ये लगातार हमारी कार्रवाई चलती रहेगी नगर पालिका के। इसमें ऐसा है कि हम रोज इसमें मॉनिटर करेंगे और रोज इसमें कार्रवाई होगी, तो लिहाजा ये हम जल्दी एक हफ्ते के अंदर सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। और हमने अभी अस्थायी रूप से वेंडिंग जोन जो है, जो ये अविस्तृत रूप से ठेलियाँ लगती हैं, इनको हमने पुरानी तहसील में अस्थायी रूप से वेंडिंग जोन दे दिया है, तो यहाँ पर वहाँ ठेलियाँ लगाएं ताकि यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।